अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिग यूज्ड, पैसे भी जाएंगे आप, इज बिग यूज्ड, किया जा रहा है किसके किसके द्वारा, ये हम शो नहीं करना चाहते, ना ही हमें शो करना है, इज बिग यूज्ड किसके द्वारा, बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 कंपनीज, बाय अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 1000 कंपनीज, ये डेटा डाल रहे हैं हम कंक्लूजन के साथ, कंपनीज। फिर हमने दो कंपनियों का नाम लिया, नेस्कॉम और फिक्की के अनुसार भारत के औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे, इसके कारण हम ये कह रहे हैं कंपनीज इन इंडिया टू गेट दियर बुल्साई, ये वो लिखना पड़ेगा, इन इंडिया टू गेट दियर, एम करोगे तो भी चल जाएगा और थोड़ा सा उसको बढ़ाना है मैं तो बुल्साई कर देना, तीन वर्ड हो जाएंगे यहाँ पर, दो वर्ड हो ही जाएंगे, एम और बुलजाई। उसके बाद देखिए आप, एम और बुलजाई लक्ष्य, बुलजाई हमारा लक्ष्य हो गया। आगे देखिए, नेस्कॉम और फिक्की के अनुसार भारत के औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम एंड फिक्की, जो हमारे योग्य औद्योगिक वो हैं उनका थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम, नेस्कॉम एंड फिक्की, अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम एंड फिक्की क्या है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर विल, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र विल क्या करेंगे, ये देखते हैं क्या करेंगे, विल टच जेनिथ ऑफ सक्सेस इन इंडिया, टेक्निकल लाइन को एस टच जेनिथ, जेनिथ ऑफ सक्सेस इन इंडिया, इन इंडिया। फिर ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं को शीशे में उतारने के लिए एआई का प्रयोग कर रही है, टेक्निकल लैंग्वेज बदल रही है, ऐसे के लैंग्वेज में बात वही है, सिर्फ घुमा रहे हैं अपन, ई कॉमर्स कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज क्या कर रही है, एआई को प्रयोग कर रही है, आर यूजिंग, अच्छा वर्ड यूज करने जाएंगे शीशे में उतारना, आर यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काय के लिए, उपभोक्ताओं को शीशे में उतारने के लिए, टू मेस्मराइज कंज्यूमर्स, टू मेस्मराइज कंज्यूमर्स शीशे में उतारने के लिए, पहला पैरा खत्म होता है, दूसरे पर आ जाइए, थोड़ा सा डेटा। अच्छा, जून 2019 में ओसाका में G20 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने एआई की अहमियत पर प्रकाश डाला था, एक थोड़ा सा डेटा बहुत अच्छा जो किसी को पता नहीं होगा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर हेड शेडेड लाइट प्रकाश डाला था किस चीज पर, ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ एआई, अहमियत, ऑन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एआई, एआई की अहमियत पर प्रकाश डाला था, एआई की अहमियत पर कहाँ, इन G20 कॉन्फ्रेंस, अपन जगह सब कुछ बता रहे हैं, इन G20 कॉन्फ्रेंस।
G20 कॉन्फ्रेंस, G20 कॉन्फ्रेंस कब इन ओसाका, इन जून पर सब कुछ बताएंगे क्योंकि डेटा बहुत अच्छा है। ओसाका जगह का नाम, धीरे, ओसाका इन जून 2019, अभी लेटेस्ट की बात है 2019। फिर एक और डेटा हमारा, भारतीय नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए एक मजबूत अभियान का आह्वान किया है। बुलाइए भारतीय नीति आयोग को, द इंडियन पॉलिसी कमीशन, बुलाइए भारतीय नीति आयोग को, द इंडियन पॉलिसी कमीशन, इंडियन पॉलिसी कमीशन हैज, बुलाओ, आह्वान करो या आगाज करो, कुछ भी करो, इनवॉक्ड, इनवॉक्ड यानी आह्वान करना, किसका आह्वान किया है, ए मजबूत, रॉबस्ट, रॉबस्ट यानी सशक्त, मजबूत, रॉबस्ट, कैंपेन, कैंपेन यानी अभियान, कैंपेन यानी अभियान, टू काय के लिए, मजबूत करने के लिए, टू 45, 45 यानी मजबूत करना, टू 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 45 मजबूत करना, वर्ब, वर्ब करने के स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा कि वो वर्ब नहीं है, टू 45, 45 मजबूत करना, टू 45 आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नया जन्म देने के लिए गूगल कंपनी के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। एक अच्छा डेटा, कोऑर्डिनेशन इज बी एस्टेब्लिश, कौन बैठा रही है मैं पता नहीं है, ना रखना है, कोऑर्डिनेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, तो आप पैसिव में हैं, एस्टेब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश, तालमेल बैठाया जा रहा है विद गूगल कंपनी, पैसिव वॉइस का ध्यान रखना है आपको, विद गूगल कंपनी, ये नीति आयोग भी चल रहा है, नीति आयोग भी कर रहा है जो भी काम कर रहा है, पॉलिसी का मिशन, क्यों भाई, टू गिव न्यू बर्थ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया जन्म देने के लिए, वही बात है, सिर्फ कंटेंट के साथ गेम खेल रहे हैं, टू गिव न्यू बर्थ, टू गिव न्यू बर्थ टू, टू गिव न्यू बर्थ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल कंपनी के साथ एक तालमेल बैठाया जा रहा है, समापन कर रहे हैं हम एआई का, इसके साथ गूगल कंपनी के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, एक हार्मनी है, ताकि नया ग्रोथ दे, नया जन्म दे, नया उड़ान दे, नया सरफेस दे, नया धरातल दे, मतलब सिमिलर वर्ड को एक साथ याद रखना जो एक साथ रोटेशन पर चलते रहे, रोकना दीजिए पेन को, और नेक्स्ट, इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मजबूत विकास का अक्ष और स्तंभ है, लास्ट में इसकी बड़ाई करते हुए, लास्ट में कंक्लूजन, सारी कहानी का सारांश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्या क्या है, दो चीजें, दोनों को कनेक्शन में था, पाइवेटल एंड पीलर, दोनों पी पर ही बढ़िया फायदा है, पाइवेटल एंड पीलर, इंग्लिश में पीपर, हिंदी में एपर, अक्ष और स्तंभ, अक्ष और आधार ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ऑफ सिक्योरिटी इकोनॉमी एंड रोबस्ट रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ऑफ पहला सुरक्षा सिक्योरिटी, पहला सुरक्षा सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड तीसरा, तीसरा रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री या नेशन, रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ
देशन, राष्ट्र की सुरक्षा, इकोनॉमी और मजबूत विकास का ये अक्ष है, ये स्तंभ है, ये अक्ष है, ये स्तंभ है, और इसका प्रयोग करना एक दोधारी तलवार के समान है। थोड़ा सा अवेयर करने, अच्छी लाइन है, गलत यूज तो बर्बादी, सही यूज तो आबादी। टू यूज इट इज अकिन टू, ये तो लगभग लगभग हर जगह यूज करेंगे, अकिन टू डबल ए सोर्ड, दोधारी तलवार के समान है। डबल इज सॉर्ड, यदि गलत यूज कर लिया बर्बादी है, साइबर क्राइम कर लिया बर्बादी है, साइबर क्राइम को रोका आबादी है। तो क्या कह रहा है, ये दोधारी तलवार के समान है, इसका फूक फूक कर प्रयोग करना पड़ेगा, इसका फूक फूक कर प्रयोग करना पड़ेगा इस टेक्निक को। दिस टेक्निक यूज टू बी, सॉरी दिस टेक्निक This technique करना पड़ेगा, will have to be used, as आप मजबूरी में जा रहे हैं, will have to be used, this technique will have to be used with फूक फूक कर, caution and calculation, caution and calculation, अगर फूक फूक कर कदम रख, caution and calculation, फूक फूक कर इसका कदम रखना पड़ेगा। समापन समारोह चल रहा है हमारा, ये आविष्कार विश्व और अमृत का अनूठा संगम है। गलत यूज किया तो विश्व है, अच्छा किया अमृत है, लास्ट की लाइन अनूठा संगम, हर जगह यूज कर जाना। दिस टेक्निक, जैसे ड्रोन भी आ गया तो इसको उड़ा देंगे आप, दिस टेक्निक इज अनूठा संगम, अनूठा संगम, बिजार बिजार मिंगलमेंट, बिजार मिंगलमेंट ऑफ किसका, विष और अमृत का, विष और अमृत का, पॉइजन एंड वेनम, पॉइजन एंड वेनम, विष और अमृत का, पॉइजन एंड वेनम। और आखिरी लाइन, ये 16 आने सच है कि कांटेदार कांटों के आंचल से ही खुशबूदार फूलों को तोड़ा जाता है। एक थोड़ी सी गरिमा वाली लाइन, कंक्लूसिव लाइन, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक लाइन, थोड़ा सा एक अच्छे अंदाज में, जो लास्ट में कंक्लूजन करता हुआ आ रहा है, एक अच्छे अंदाज में इसका प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ तक ठीक है, ये 16 ने सच है, दिस इज ट्रूइज्म, ट्रुथ भी कर सकते हो, ट्रूइज्म को भूल जाओ, दिस इज द ट्रुथ से भी काम चल जाएगा, रोकना नहीं है, स्पैन नहीं रुकना चाहिए आपका, ट्रूइज्म दैट, क्या दैट, की कांटेदार कांटों के आंचल से ही खुशबूदार फूलों को तोड़ा जाता है। बहुत अच्छी लाइन, एक लास्ट में जो दिल को टच कर जाए, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, खुशबूदार फूल, जहां गुलाब होगा वहां कांटे होंगे, या चंदन होगा वहां शांप होंगे, जहां प्लस होगा वहां माइनस होगा, प्रकृति का रूल है। दैट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड, तोड़े जा सकते हैं, PLUCKAD, can be plugged, तोड़े जा सकते हैं, can be plugged, किससे, from thorny thorns, कांटेदार तारों से, कांटेदार कांटों से, from thorny का मतलब बहुत ही ज्यादा चुभ जाए, जो छड़ियों में होता है, thorny thorns, ये लास्ट की हमारी थोड़ी सी एडिटोरियल लाइन, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन कि हम चाहते क्या है, प्लग यानी तोड़ना, थोली थोड़ का मतलब कांटेदार तार, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यानी आपका खुशबूदार फूलों को बोलेंगे आपका फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। कैन बी पैसिव है, पैसे में लेके जाने आप, एआई पर आने की अच्छी संभावना, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ, इसके आने की, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में इस समय, और नेचुरल है कोई नहीं तो घूमेगा जरूर, वो करते हैं मूवमेंट रिजर्वेशन बिल 2023 आने की अच्छी संभावना, मूवमेंट बिटा ऊपर वाला, हाँ इसको कर लो, ये अपन ऐसे लगभग लगभग अपन जो कर रहे हैं वो आएगा जरूर, क्योंकि मैं फालतू ले नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये घूमेगा तो घूमेगा, पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार 5 आए थे, इस बार देखते हैं कितने आते हैं, सत्यवीर बिटा ऊपर वाला, ये वाला,
रिचो, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ऐसे जो लीगल भी है, करंट में भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी जोर लगाना पड़ा इस बिल को पास करवाने में, ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। बिजार मिंगलमेंट, MINGLEMENT, अनूठा संगम, मिंगलमेंट का मतलब संगम। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे क्वेश्चन बनाएगा इंटरव्यू में, हिंदी ऐसे को भी घुमा सकता है, इंग्लिश ऐसे को भी घुमा सकता है, वो कहीं घुमाए लेकिन अभी नहीं घूमना, हमें अगले को घुमाना है। तो इस रिजर्वेशन बिल को डिस्कस करने से पहले हम औरत के बैकग्राउंड को शो करते हैं, क्या उसका जमीनी वजूद था, क्या उसका हकीकत वजूद था, और इस रिजर्वेशन बिल की जरूरत क्यों पड़ी, और इसके आने से भारतीय राजनीति में, भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय समाज में क्या परिवर्तन होगा, कब पास हुआ, क्यों पास हुआ, क्या क्या बाधाएं थी, किसका इंटरेस्ट था पास कराने में, किसका इंटरेस्ट था नहीं पास कराने में इस बिल को। बहुत अच्छा, ऐसे बहुत अच्छे कंटेंट, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एज वेल एज इंटरव्यू, आइए घुमाते हैं। बहुत अच्छे, मजबूत राजनीति और मजबूत प्रजातंत्र का दर्पण और नींव का पत्थर होती है एक जनरल सेंटेंस। कहानी शुरू होती है बैकग्राउंड से, बहुत अच्छे से शुरू करनी है, रॉबस्ट पहले बिठाने में फिर डिस्कस करें। हो गया सत्यवीर?